नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। दोस्तों, सर्दी का मौसम है और जब सुबह सुबह हमको कहीं ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, नहाने में बहुत दिक्कत आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक ऐसी टंकी के बारे में जिसको आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं और पानी आप गर्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एक टंकी की, ये मैंने 35 लीटर की टंकी ली है, इसमें एक आपको होल कर लेना है। दोस्तों, होल करने से पहले आपको बस एक ही ध्यान रखना है, होल आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको लेनी है ये जो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, आपको इसको गीजर बोलते हैं, ये आसानी से आपको वाटर हीटर भी इसको बोलते हैं, आसानी से आपको इलेक्ट्रिक की दुकान पे मिल जाएगा 200 रुपये का, वहाँ से आपको इसको लेके आना है। देखिए दोस्तों, ऐसा है, पर आपको ये ध्यान रखना है जो आप अपनी ये टंकी में छेद करेंगे, ये मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको वाटर हीटर को इस टंकी में फिट कर लेता हूँ, उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके साथ दो पैकिंग आते हैं, एक आपको अंदर के तरफ लगाना है, एक लगाना है बाहर की तरफ पैकिंग। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो आप इसको पैकिंग को लगाएंगे तो आपका यहाँ से नीचे से फिर बाद में पानी नहीं टपकेगा। ये देखिए दोस्तों, बना लेते हैं। अब मैंने जो होल किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट नाप तोल के किया था और मेरा ये बिल्कुल फिट बैठ गया। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको मैंने बना लिया है। अब मैं इसमें इसको फिट करके तार बांध देते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें पानी गर्म होता है, कितनी देर में होता है, कैसे सारा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत